काम किया और उसके सावरकर को मानने वाले लोग हैं, तो ये समाज में फूट डाल के सत्ता हासिल करना चाहते हैं, ये इनकी रणनीति। देखिए ये तो एक कानूनी पहलू, लेकिन मुख्य रूप से बात उसकी मानसिकता की है। भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है वो क्या है, नफरत की, घृणा की, किस पर? छत्तीसगढ़ियों पर, किसानों पर। उसके जो मन में जो भाव है वो घृणा की है, नफरत की है, इसलिए थूकने की बात कर रहे हैं पीछे के लाइन से। हमारे संगठन के लोग इसमें लगेंगे, प्रजातांत्रिक ढंग से इसका विरोध किया जाएगा। बिल्कुल सही सवाल आपने किया है, और छत्तीसगढ़ सरकार ने 3.5 सालों में जो काम किया है, सब वर्गों के लिए जो काम किया है, वो सब देख रहे हैं, पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे देश इसको देख रहा है। लेकिन अब इसके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, और इस कारण से ये नफरत की बात कर रहे हैं, थूकने की बात कर रहे हैं। होता जी देखिए, जहाँ तक के भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री की बात है, तो प्रधानमंत्री जी को बहुत पहले से मानना बंद कर दिया है। जब उन्होंने कहा कि टीका उत्सव मनाओ, तो भारतीय जनता पार्टी के एक भी कार्यकर्ता टीका उत्सव के लिए नहीं आया, तो उसको तो उसी दिन से मानना बंद कर दिए हैं लोग। तो ये भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री को गंभीरता से लेना बंद कर दिए। कांग्रेस हमेशा प्रेम के, सद्भाव की राजनीति करती आई है, अब जब उसमें नफरत घोल दोगे ना, तो ये पुरंदेश्वरी जी की बयान जैसा हो जाता है। वो संगत का दोष है, वो अर्जुन सिंह जी जैसे दिग्गज नेता के साथ वो राज्य मंत्री थी, मानव संसाधन मंत्री थी, उनके साथ उनको काम करने का अवसर था, तब इस प्रकार के बयान नहीं आए। अब जब से वो भारतीय जनता पार्टी में गई है, तब से वो हंटर चलाने काम कर रहे हैं, जब भी आए तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ वो हमेशा कहते रहे कि अब हमारे पास कोई चेहरा नहीं, हम बिना चेहरा के चुनाव लड़ेंगे। जो 15 साल तक के रमन सिंह के चेहरे में चुनाव लड़े, 4-4 चुनाव लड़े, अब वो कहते हैं चेहरा चुनाव के लायक नहीं, वो फेस हमारा नहीं होगा। वो बोलते हैं कि मेरा चेहरा छोटा है, बहुत सारे चेहरे में एक चेहरा मेरा भी है बहुत छोटा सा, तो उसके बाद भी उसको नकार देती है। लेकिन अब उसके बाद जब देखे कि भारतीय जनता पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है, तो नफरत फैलाने के लिए फिर उन्होंने खुद ही बयान दिया। भारतीय जनता पार्टी स्वीकार कर रही है कि हाँ, हमारी राजनीति नफरत की है, घृणा की है, हिंसा की है, और इसलिए वो मौन है। उनको ये सूट करता है ये बयान भारतीय जनता पार्टी, तभी तो मौन है। आज तीसरा दिन एक नेता का बयान नहीं आना। मैंने पहले ही कहा कि ये बहुत निंदनीय है, और इसका हम विरोध करते हैं, और हमारे संगठन के लोग कार्यक्रम बना के जगह जगह इसका प्रजातांत्रिक ढंग से इसका विरोध करेंगे। हमारे NSY के लोग तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर के सामने एक टीकदान रख दिए हैं, लिख भी दिए हैं उसमें, यहाँ थूकिए, लेकिन छत्तीसगढ़ की संस्कृति पे या छत्तीसगढ़ियों पे मत थूकिए। आपने
पहले से दिखाई दे रहा है, कई कई गुट हैं, ये लोग एक एक गुट के प्रतिनिधित्व करते हैं जिनको नहीं बुलाया गया, बचत कुछ लोग इकट्ठा हो गया था। चलिए घटनाएं होती है लेकिन उसकी सख्त कार्रवाई भी होती है, कानून का राज है यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। रायपुर ग्रामीण का बूथ वाली चल रही है, चाय पियेंगे।